बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, सेकंड ईयर की फिजिक्स का चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हम पढ़ रहे हैं। इसका नेक्स्ट आर्टिकल जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो आर्टिकल नंबर 12.4 है, एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। हमारे इस कोर्स के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की दो अप्लीकेशन दी हुई हैं। आज हम इसकी एक अप्लीकेशन डिस्कस करेंगे, जो फर्स्ट अप्लीकेशन है इसकी, जीरोग्राफी और फोटोकॉपियर। जीरोग्राफी आर फोटोकॉपियर। द प्रोसेस ऑफ फोटोकॉपिंग इज कॉल्ड जीरोग्राफी। फोटोकॉपी करने के प्रोसेस का नाम जीरोग्राफी है। जीरोग्राफी बेसिकली दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। जीरोस मीन ड्राई एंड ग्राफस मीन राइटिंग। अगर कंप्लीट इसका नाम देखा जाए तो जीरोग्राफी मीन ड्राई राइटिंग। इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो बेस करता है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ फोटोकॉपियर या फिर जीरोग्राफी। मेन पार्ट या फिर हार्ट ऑफ द मशीन इज अ ड्रम। दैट ड्रम इज मेड ऑफ एल्यूमिनियम एंड कोटेड विद सेलेनियम। एक ड्रम है जो एल्यूमिनियम का बना हुआ है और उसको कोटिंग की गई है सेलेनियम की। एल्यूमिनियम बेसिकली एक गुड कंडक्टर होता है और सेलेनियम फोटो कंडक्टर होता है। एल्यूमिनियम के ऊपर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे और सेलेनियम कंडक्टर उस वक्त बनेगा जब इसको एक्सपोज किया जाएगा लाइट में, और जब लाइट इसके ऊपर इंसिडेंट नहीं होगी तब ये इंसुलेटर होगा। कंडक्टर तब होगा जब लाइट इंसिडेंट होगी, और इंसुलेटर तब होगा जब इसके ऊपर लाइट इंसिडेंट नहीं होगी। और इस एल्यूमिनियम की कोटिंग को बेसिकली पॉजिटिवली चार्ज किया गया है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज स्प्रिंकल कर दिया गया। इस एल्यूमिनियम की कोटिंग को सेलेनियम की कोटिंग के ऊपर पॉजिटिव चार्ज स्प्रिंकल कर दिया गया, और इसके साथ एक टोनर कैटरेज मौजूद है, और टोनर कैटरेज के अंदर ब्लैक कलर का पाउडर टाइप डस्ट टाइप टोनर मौजूद है। उस टोनर के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। अब इसके साथ साथ हमारे पास एक लैंप है, लैंप लाइट इंसिडेंट करने के लिए, कि लैंप से लाइट इंसिडेंट होगी तो सेलेनियम की जो कोटिंग है वो कंडक्टर बन जाएगी, अदरवाइज वो इंसुलेटर होगी। हमारे पास एक पेपर है टू बी कॉपीड, एक पेपर जिसको हम कॉपी करना चाहते हैं, जिसके ऊपर कोई स्टेटमेंट मेंशन है जो पेज डाउनवर्ड है। डाउनवर्ड का मतलब यह है कि उल्टा पेज है, मशीन के ऊपर रखा गया है। जब लाइट इंसिडेंट होगी लैंप से पेपर के ऊपर, पेपर से रिफ्लेक्ट होके टोनर के ऊपर आएगी, तो टोनर का वो एरिया जिस एरिया के पेपर का वो एरिया जिसके ऊपर कोई स्टेटमेंट नहीं लिखी हुई वो वाइट कलर होगा। तो लाइट रिफ्लेक्ट होकर टोनर के ऊपर आएगी, तो टोनर के ऊपर सेलेनियम जो है वो कंडक्टर बन जाएगा। सेलेनियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और एल्यूमिनियम के फ्री इलेक्ट्रॉन आपस में डिफ्यूज होकर उसको न्यूट्रल कर देंगे, और वो रीजन जिस रीजन के ऊपर ब्लैक एरिया बन रहा है, डार्क एरिया बन रहा है, जहां पे स्टेटमेंट का इमेज बन रहा है, वहां पे ये ब्लैक कलर रहेगा, और यहाँ पे ये फोटो कंडक्टर सेलेनियम जो है वो कंडक्टर नहीं बनेगा, इंसुलेटर ही रहेगा। इस रीजन के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज है वो एज इट इज रहेगा, वो इलेक्ट्रॉन के साथ डिफ्यूज होके खत्म नहीं होगा। और ये जो आपके पास लेंस है, लेंस का फंक्शन ये है कि जो आपकी स्टेटमेंट है उस स्टेटमेंट को फोकस करता है, इनलार्ज करना या स्मॉल करना। इस लेंस के जरिए हम इसको इनलार्ज या स्मॉल करते हैं। जब इसके ऊपर लाइट एक्सपोज होगी तो जिस एरिया में लाइट एक्सपोज होगी उस एरिया से पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा, और बाकी डार्कनेस वाले एरिया के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। अभी मैंने कहा भी था कि जो आपके पास टोनर है इस टोनर के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। अब यहाँ डार्कनेस वाले एरिया के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और टोनर के ऊपर नेगेटिव चार्ज। अब ये ड्रम जो है वो रोटेट करेगा, सर्कल में मूव करेगा। जब ये सर्कल में मूव करेगा डार्कनेस वाले एरिया के ऊपर अभी भी पॉजिटिव चार्ज मौजूद है। जब ये टोनर के पास से गुजरेगा तो टोनर का नेगेटिव चार्ज इसको अट्रैक्ट कर देगा, इसका जो पॉजिटिव चार्ज और टोनर के नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आपस में डिफ्यूज हो जाएंगे, और वो जो टोनर के डस्ट पार्टिकल है, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, वो इस ड्रम के ऊपर आके इंसिडेंट होंगे, और सिर्फ उस रीजन के अंदर जिस रीजन के अंदर कोई स्टेटमेंट लिखी हुई होगी। जब स्टेटमेंट वाले रीजन के अंदर आएंगे तो स्टेटमेंट वाला रीजन भी आप क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा, डिफ्यूज हो जाएंगे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस एक दूसरे में, तो ये भी एज न्यूट्रल हो जाएगा। जब ये न्यूट्रल होगा तो इस ड्रम के ऊपर नेगेटिव चार्ज टोनर आ जाएगा। जब ये ड्रम रोटेट करेगा, इस ड्रम के रोटेट करने की वजह से नेक्स्ट पेपर इसके ऊपर है, जब ये पेपर इसमें पास करेगा उस वक्त ये ड्रम भी रोटेट करके पेपर के ऊपर अपनी इंक छोड़ देगा, ये टोनर
अपने इंक पेपर के ऊपर छोड़ देगा। अब जब पेपर के ऊपर ये अपने डस्ट पार्टिकल या फिर पाउडर टाइप टोनर को लेफ्ट कर देगा, वहां छोड़ देगा, वहां पर इंसिडेंट कर देगा। तो अब जब पेपर यहाँ से पास करेगा, यहाँ से पास करने के बाद इसके साथ हीटिंग रॉड्स हैं, हीटिंग रॉड्स इस टोनर को हीट अप करेंगे और हीट अप करने के बाद इस पेपर के ऊपर परमानेंटली फिक्स कर देंगे, और जिसके नतीजे में आपके आउटपुट के ऊपर पेपर कुछ इस फॉर्म में मिलेगा जो फोटोकॉपी हुआ हुआ मिलेगा। ये फोटोकॉपियर का प्रोसेस है। इसमें मैं एक मतलब रिपीट करता हूँ, जब लाइट इंसिडेंट होगी डार्कनेस वाले रीजन इमेज बनाएगा ड्रम के ऊपर, और ड्रम का ये रीजन पॉजिटिव चार्ज ही रहेगा, बाकी रीजन सेलेनियम एक्सपोज होगा लाइट के ऊपर। इसका ड्रम के ऊपर पहले से मौजूद स्प्रिंकल किया हुआ पॉजिटिव चार्ज और फ्री इलेक्ट्रॉन एल्यूमिनियम के आपस में डिफ्यूज हो जाएंगे, उनकी डिफ्यूजन की वजह से इसके ऊपर चार्ज कोई भी नहीं रहेगा। जो डार्कनेस वाला एरिया है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, जब ये ड्रम यहाँ से रोटेट करके टोनर के पास गुजरेगा तो टोनर के नेगेटिव पार्टिकल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और वो नेगेटिव पार्टिकल इस डार्कनेस वाले रीजन के अंदर आ जाएंगे। जब इस डार्कनेस वाले रीजन के अंदर आएंगे तो वो पेपर वो जो डस्ट पार्टिकल्स हैं, वो डस्ट पार्टिकल पेपर इसमें से गुजरते हुए इस पेपर के ऊपर आ जाएंगे, और ये पेपर जब इन हीटिंग रॉड में से गुजरेगा इस टोनर को मेल्ट कर देगा, टोनर मेल्ट होकर इसके ऊपर परमानेंट इमेज छोड़ देगा और आपको आउटपुट के ऊपर ये इमेज मिल जाएगा जो फोटोकॉपी आपके पास आउटपुट के ऊपर मिल जाएगी। ये फोटोकॉपियर का वर्किंग प्रोसेस और कंस्ट्रक्शन आ गई। इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट होता है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।